हेलो गाइस, माय नेम इज संतू एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑन रन टिल गेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओलंपिक्स के बारे में, बात करेंगे क्या हुआ था नीरज चोपड़ा के उस फाइनल इवेंट्स में। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने एक हाल ही में इंटरव्यू आज हुआ था, उसमें उसने बहुत बड़ा खुलासा किया है। नीरज चोपड़ा जी ने ये बोला है कि उनका जो जैवलिन है, जस्ट फाइनल से वो जब फर्स्ट थ्रो डालने जा रहे थे, फेंकने जा रहे थे, तो क्या हुआ कि उनका जो जैवलिन है वो पाकिस्तान के जो जैवलिन थ्रोवर है अरशद नदीम, उन्होंने कहते ले रखा था। तो आप क्या सोचते हैं, कहते हैं वो किस वजह से कहते हैं इंडिया के जो जैवलिन स्टार है उनके जैवलिन को लिया होगा। तो कहते हैं ये उनको, नीरज चोपड़ा को बहुत ही बुरा फील हुआ, क्योंकि कहते हैं वो कहते इधर उधर भटक रहे थे अपना जैवलिन कहते फेंकने के लिए, क्योंकि वो ओलंपिक्स का फाइनल है, इट्स द बिगेस्ट स्टेज ऑफ एनी स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो कहते वो आप देखे होंगे कि कहते इंडिया के जो जैवलिन स्टार नीरज चोपड़ा, वो अपना पहला थ्रो बहुत ही हाल ही में बहुत जल्दबाजी में हड़बड़ी में फेंक रहे थे। सो फ्रेंड्स, यही कारण था। आपकी इस पे क्या राय है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि नीरज चोपड़ा ने ये भी खुलासा किया कि वो डायमंड लीग क्यों मिस कर गए, क्योंकि आपको पता है कि अभी इंटरनेशनली डायमंड लीग हो रहे हैं। अगर आपको डायमंड लीग के बारे में कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंडिया में कोई स्टार बनता है, जब ओलंपिक्स गोल्ड लेके आता है, तो उनका कितना चर्चा होता है, कितने सारे मीटिंग कराए जाते हैं। तो इस वजह से नीरज चोपड़ा बहुत सारे ट्रैवलिंग किए, फिर कहते वो एसी में थे पूरे दिन भर, कार में थे, तो फिर कहते इतना ट्रैवलिंग करते हुए वो थोड़ा कहते इल हो गए थे, थोड़ा बीमार पड़ गए थे। इसी वजह से वो जो उनका प्लान था कि कहते डायमंड लीग होने वाला है इस मंथ के लास्ट में, तो उसको कहते ज्वाइन करने का उनका प्लान था कि ये जो मंथ के लास्ट में हो रहे थे डायमंड लीग, उसको कहते वो कहते ज्वाइन करके अपना कहते बेस्ट और इससे अच्छा परफॉर्मेंस, ये सीज़न का और अच्छा परफॉर्मेंस देने का। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इंटरनेशनली डायमंड लीग हो रहे, उसमें बहुत सारे जो चैंपियंस है कहते टोक्यो के, वो तो अपना सीज़न के बेस्ट अभी कहते अपना सीज़न कंटिन्यू कर रहे, पर नीरज चोपड़ा इंडिया में इतने सारे उनके इंटरव्यूज हो रहे, फिर बाद में बहुत सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रैवलिंग्स हो रहे हैं, बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं, तो ये सब में वो बिजी रह गए, तो उनका कहते हैं अभी कहते हैं परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो गया, उनका ये मानना है। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन पुट अ थम्स अप एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। आई विल कमिंग विद द मोर अपडेट्स ऑन ऑल द स्पोर्ट्स इवेंट। टिल देन, बाय।